पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जैसे ही अपने 157 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, वैसे ही बवाल मच गया। जगतादल और जलपाईगुड़ी सदर क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। जगतादल विधानसभा सीट से अरिंदम भट्टाचार्य को टिकट देने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़ दिए। कार्यकर्ताओं ने यहां धरना प्रदर्शन भी किया। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम अरिंदम को अपना उम्मीदवार नहीं मान सकते। अरिंदम तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलपाईगुड़ी के डीबीसी रोड में पार्टी ऑफिस में भी तोड़फोड़ की। पार्टी ने जलपाईगुड़ी सदर सीट से सुजीत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है, जो पार्टी वर्कर्स को बिल्कुल रास नहीं आया। उधर बीजेपी युवा मोर्चा की राज्य इकाई के नेता और पूर्व बीजेपी नेता तपन सिकदर के बेटे सौरभ सिकदर ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर पुराने नेताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है।